दोस्तों कभी भी एक बल्लेबाज टीम को शिखर पर लेकर नहीं जा सकता, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि टीम का हर बल्लेबाज रन मारे, क्योंकि जब दो बल्लेबाजों की जोड़ी विकेट पर टिक जाती है तो धूम मचा देती है, और जब दोनों छोर पर खड़े बल्लेबाज बाउंड्री मारते हैं तो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 10 बल्लेबाजों की जोड़ी लेकर आए हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी और लंबी साझेदारी निभाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सुपरहिट वीडियो। नंबर 10, तिलक रत्न दिलशान और उपल थरंगा। दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक श्रीलंकन टीम को दुनिया की सबसे मजबूत टीम में गिना जाता था, क्योंकि श्रीलंका के पास कई शानदार बैट्समैन और बॉलर मौजूद थे, और उस दौर में श्रीलंका के लिए ओपनिंग करने आते थे तिलक रत्न दिलशान और उपल थरंगा। इनका लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बॉलर के लिए काफी मुश्किलें खड़ी करता था। दोस्तों 2011 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे के खिलाफ इस जोड़ी ने ऐसी शुरुआत की थी कि दोनों ही विकेट पर जमकर बैठ गए थे। इन्हें आउट करना तो दूर, इनके चौके छक्के रोकना बॉलर के लिए नामुमकिन सा हो गया था। दोनों बल्लेबाजों की सेंचुरी के साथ ही श्रीलंका का स्कोर 282 तक जा पहुंचा था। इस जोड़ी की 282 रनों की साझेदारी क्रिकेट इतिहास की 10वीं सबसे बड़ी साझेदारी है। नंबर 9, क्विंटन डिकॉक और हाशिम अमला। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच चल रहे ओडीआई मैच में बांग्लादेश टॉस जीतकर बल्लेबाजी करता है और साउथ अफ्रीका को 278 रनों का लक्ष्य थमा देता है। वैसे तो टारगेट इतना आसान भी नहीं था, लेकिन डिकॉक और हाशिम अमला की जोड़ी ने बांग्लादेश के बॉलर को धो कर रख दिया और दोनों ने मिलकर 42 ओवर में ही बिना किसी नुकसान के 282 रन ठोक डाले। ये क्रिकेट की 9वीं सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। नंबर 8, डेविड वार्नर एंड ट्रेविस हेड। 26 जनवरी 2017 को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच यह मैच खेला जा रहा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करने आती है, ओपनिंग करने आते हैं डेविड वार्नर एंड ट्रेविस हेड, और पहले ओवर में डेविड वार्नर का मोहम्मद आमिर की गेंद पर स्लिप में जाने वाला कैच ड्रॉप हो जाता है, और उसके बाद तो मानो वार्नर अमर हो जाते हैं और ऐसे रन बनाना शुरू करते हैं जैसे अब कभी आउट ही नहीं होंगे। और ये ओपनिंग जोड़ी 284 रनों की एक शानदार साझेदारी निभाती है और ये क्रिकेट की 8वीं सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। नंबर 7, उपल थरंगा एंड सनत जयसूर्या। दोस्तों जब भी ये दोनों विकेट पर टिक जाते थे तो जीत श्रीलंका की होती थी, और ऐसा ही हुआ था जुलाई 2006 में। यह मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 321 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने आते उपल थरंगा एंड सनत जयसूर्या, और इन दोनों ने मिलकर ऐसी शानदार पारी खेली कि 286 के स्कोर पर श्रीलंका का पहला विकेट गिरता है, और ये 286 रन की पार्टनरशिप क्रिकेट की 7वीं सबसे बड़ी साझेदारी है। नंबर 6, तमीम इकबाल एंड लिटन दास। दोस्तों बांग्लादेश टीम को वैसे तो इतना मजबूत नहीं माना जाता, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि इस टीम के पास अच्छे खिलाड़ी नहीं है। 2020 में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच यह मैच खेला जा रहा था। इस मैच में तमीम इकबाल एंड लिटन दास की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। इन दोनों ने सिर्फ 40 ओवर में ही बांग्लादेश के स्कोर को 292 तक पहुंचा दिया था, जिसमें लिटन दास ने 176 रन मारे थे, और एक क्रिकेट की 6ठी सबसे बड़ी साझेदारी है। नंबर 5, इमामुल हक एंड फखर जमान। 20 जुलाई 2018 को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान चल रहे मैच में इमामुल हक एंड फखर जमान ने पाकिस्तान की सभी पार्टनरशिप को पीछे छोड़ दिया था। इस मैच में पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करने आते हैं इमामुल हक एंड फखर जमान। दोनों बैट्समैन में मिलकर बॉलर की पिटाई करते हैं और सिर्फ 41 ओवर में पाकिस्तान के स्कोर को 304 पर खड़ा कर देते हैं। 304 रन की यह पार्टनरशिप पाकिस्तान की पहली और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। नंबर 4, सौरव गांगुली एंड राहुल द्रविड़। दोस्तों दादा और द्रविड़ की जोड़ी से तो आप बिल्कुल वाकिफ होंगे। ये दोनों टीम इंडिया के रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। साल 1999 में श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे मैच में इन दोनों ने भी इतिहास रच दिया था। वैसे तो पहले ही ओवर में इंडिया का एक विकेट गिर जाता है, जिसके बाद आते हैं राहुल द्रविड़, और दोनों की पार्टनरशिप से इंडिया का स्कोर 326 तक जा पहुंचता है, जिसमें गांगुली और द्रविड़ 318 रन की पार्टनरशिप पूरी करते हैं, जिसके बाद राहुल द्रविड़ रन आउट हो जाते हैं, और ये क्रिकेट इतिहास की 4थी सबसे बड़ी पारी है। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़। दोस्तों जिस साल गांगुली और द्रविड़ ने सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया था, उसी साल सचिन और द्रविड़ ने इस रिकॉर्ड को तोड़ भी दिया था। 1999 में ही सचिन और द्रविड़ की जोड़ी 331 रन की पार्टनरशिप बनाती है, और ये आज भी क्रिकेट की 3री सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फॉलो भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड की नंबर 2 साझेदारी किसकी है, जॉन कैंपबेल एंड शाई हॉप। दोस्तों क्रिकेट रिकॉर्ड की बात की जाए और वेस्टइंडीज का नाम ना आए ऐसा लगभग हो नहीं सकता। 5 मई 2019 को वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच चल रहे इस वनडे मैच में दो वेस्टइंडीज बल्लेबाज मैदान पर आते हैं और रिकॉर्ड बनाकर चले जाते हैं। जॉन कैंपबेल एंड शाई हॉप की जोड़ी ने 47 ओवर तक मोर्चा संभाल कर रखा था और इन दोनों ने 365 रन की पार्टनरशिप को पूरा किया था। अब बात करते हैं नंबर 1 की, क्रिस गेल एंड मार्लन सैमुअल।
दोस्तों दूसरे नंबर के बाद पहले नंबर पर भी वेस्ट इंडीज का नाम आता है। साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में क्रिस गेल और स्मिथ बैटिंग करने मैदान पर आते हैं, लेकिन स्मिथ जीरो पर ही आउट हो जाते हैं, जिसके बाद क्रिस गेल का साथ निभाने आते हैं मार्लन सैमुअल्स। दोस्तों इस मैच में गेल 215 रन की शानदार पारी खेलते हैं और 50 ओवर में सैमुअल्स के साथ मिलकर 372 रन की साझेदारी निभाती हैं और ये क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।